दोस्तों, मैं नए व्लॉग के साथ आया हूँ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं इंडिया जा रहा हूँ सिंगापुर से, क्योंकि मैं आपको पूरा रीज़न बताने वाला हूँ। वीडियो देखते रहिए। अब सिंगापुर में नौकरी मिलती नहीं है, पढ़ाई करने आ जाते हैं लोग, ये सिर्फ पागल बनाते हैं। यहाँ पर कोई जॉब नहीं है और OJT भी कोई नहीं है, OJT भी कोई नहीं देता यहाँ पर। यहाँ मैं प्राइवेट हाउस में रहता हूँ। यहाँ पर अगर किसी को पूछना हो कि यहाँ पर सिंगापुर में प्राइवेट रूम कहाँ मिलते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट कर कर। गोइंग बैक टू इंडिया। MRT से जा रहे हैं। टैप करना होता है। मेरा क्या हुआ? इसका टैप नहीं हुआ है दोस्तों। देखते हैं क्यों नहीं टैप कर पा रहा। क्या लिखा रहा है? वैलिड नहीं है। इसके साथ हो गया। अब कैसे आएगा? हाँ, मेरा कार्ड लेगा तू? मैं कहूँगा कैसे ले? मेरा ही कार्ड ले लिया इनने, देखो। ये भी नहीं लग रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ATM भी है। ATM नहीं लाया मैं। दोस्तों ये आ नहीं पा रहा है। हमें हमें ही जाना पड़ेगा। तेरे पास तो है एप्पल पे? एप्पल पे से देख ले। हुआ क्या कुछ? तो गाइस, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि अगर आप सिंगापुर आ रहे हो पढ़ाई करने तो बिल्कुल मत आना। यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दुखी होके जा रहा हूँ। और मुझे लगा नहीं था मैं ऐसे चले जाऊँगा यहाँ से। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये सब मेरे साथ हुआ है, तो आप भी प्लीज़ मत आइएगा यहाँ पर सिंगापुर में पढ़ाई करने। और यहाँ पर जॉब के बारे में तो सोचना ही मत, यहाँ पर मिलती ही नहीं, बिल्कुल ख़राब है। मैं सिंगापुर में ही हूँ अभी तो। देखो मेरा बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है।